छोटी काशी यानी कि मंडी जिला में मौजूद हैं। हिमाचल की बात का कारवां आज मंडी जिला पहुंचा हुआ है। मंडी जिले की सियासी तस्वीर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ की पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं सुखराम की राजनीति के बिना बिल्कुल अधूरी है। और इस बार बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर खेला है, क्योंकि सेंधमारी कहीं ना कहीं कांग्रेस में बीजेपी की तरफ से की गई है। इन सवालों के जवाब भी हम नुमाइंदों से लेंगे, लेकिन क्योंकि कैबिनेट मंत्री, 3 कैबिनेट मंत्री मंडी को दिए गए हैं, मंडी से दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश को, ऐसे में जवाबदेही सरकार की भी बनती है और जनता भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि वक्त अब जवाब देने का है, हिसाब मांगने का है। तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है और जवाब चाहती है कि जो सपना मंडी का दिखाया गया था, विकास का सपना दिखाया गया था, क्या वो विकास मंडी में हुआ है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से पुष्पराज जी मौजूद है और उसके साथ साथ नरेंद्र गुलेरिया मेरे साथ बीजेपी की तरफ से मौजूद है। सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं पुष्पराज जी। सेंधमारी कांग्रेस में की गई है बीजेपी की तरफ से, ऐसा क्या हुआ कि 5 साल तक आपके पास रहे अनिल शर्मा जी और उसके बाद गायब हो गए, लेकिन आपको पता ही नहीं चला? ये बात बार बार उठ रही है कि कांग्रेस पार्टी में अनिल शर्मा पिछले, इसका परिवार 1962 से लेकर 2017 तक कांग्रेस पार्टी के पास था। क्या कारण हुए कि ये बीजेपी में चले गए? एक कारण तो ये है कि बीजेपी के पास यहाँ मंडी में कोई योग्य नेता इनके पास नहीं है। इन्होंने हमारा नेता चुराया, जैसा इन्होंने उत्तराखंड में किया। ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, ये संयुक्त कांग्रेस भाजपा भारत बनाने जा रहे हैं, परंतु इनके पास नेताओं की कमी है, इनके पास विजन। आरोप यहाँ पर पुष्पराज जी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि चोरी की गई है, मंडी में बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था। पुष्पराज जी आरोप लगा रहे हैं कि आपने इनके मंत्री को चुराया है, आपके पास कोई चेहरा नहीं है और कहीं ना कहीं सेंधमारी यहाँ पर की गई है। एक कांग्रेस मुक्त भारत का सपना जो देश के, लेकिन आप तो कांग्रेस युक्त कर रहे हैं ना, कांग्रेस के नेताओं को टिकट दे रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। वर्ष 1998 में भी जब पंडित सुखराम जी ने हिमाचल विकास कांग्रेस बनाई थी तो हिमाचल विकास कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने वीरभद्र सरकार को, कांग्रेस को विपक्ष में बैठने के लिए मजबूत किया था। ये एक रणनीति के तहत कि यहाँ कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए माननीय पंडित सुखराम जी के माध्यम से जो साथ लगती 10 हमारी विधानसभा सीटें हैं वहां से हमारे वोट बैंक का ग्राफ बढ़ेगा। केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है, इस निर्णय का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सियासी तस्वीर यहाँ पर बदली है, आरोप ये भी लग रहे हैं कि आपके पास तो कोई चेहरा ही नहीं था, मजबूरी थी कि आपको लेना पड़ा अनिल शर्मा को पार्टी में? मजबूरी नहीं थी, ये परिस्थितियां थी। कांग्रेस के अंदर जो असंतोष और कांग्रेस में जो गुटबाजी थी, उस गुटबाजी से परेशान होकर अपने स्वाभिमान को लेकर अनिल शर्मा जी इनको छोड़कर आए, इनको छोड़कर हमने उनका स्वागत किया। गुटबाजी थी और इसलिए नाराजगी हुई, इसलिए चले गए अनिल शर्मा। मेरे भाई को ये मालूम नहीं है कि हिमाचल में जो 2017 के चुनाव हो रहे हैं, जो गुटबाजी की ये बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के लिए ये 5-5, 6-6 कैंडिडेट इनके है। जयराम उसमें है, धूमल जी उसमें है, संत अब तो धूमल जी का नाम अनाउंस कर लिया गया। एग्रीड, परंतु हमारे पास एक सर्वमान्य नेता है राजा वीरभद्र सिंह जी, जिसने हिमाचल प्रदेश में 6 बार मुख्यमंत्री रहा और 7वीं बार बनने जा रहा है। मैं तो इन भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, आप वीरभद्र से इतना क्यों घबराए हुए? आप घबराए हुए हैं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से? बिल्कुल नहीं घबराए हुए हैं। जो कांग्रेस पार्टी है रजवाड़ा शाही की पार्टी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र जीवित है। हमने भले ही देर से किया है, लेकिन माननीय प्रेम कुमार धूमल जी को हमने अपना चीफ मंत्री का कैंडिडेट। कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि स्टेट लीडरशिप नाराज हो रही है, सेंटर से सब कुछ चल रहा है, इसलिए अब धूमल जी को आगे करना पड़ा? ये एक रणनीति का हिस्सा होता है कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट किस वक्त पर डिसाइड करना है, टिकट आवंटन से पहले, टिकट आवंटन के बाद या नॉमिनेशन की विड्रॉल की डेट के बाद, ये एक रणनीति का हिस्सा होता है। केंद्रीय नेतृत्व ने माननीय प्रेम कुमार धूमल जी को सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी है और हम सरकार। लेकिन आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा लग रहा था, इक्का दुक्का कहीं ना कहीं बीजेपी वीक हो रही थी, हार का ठीकरा, क्योंकि मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा था ये चुनाव, हार का ठीकरा मोदी जी पर ना लगे, इसलिए धूमल जी को आगे कर दिया गया, सीट भी चेंज कर दी गई उनकी? तो ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने जब से कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया है, ताश के पत्तों की तरह कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान से बिखर गई है और हिमाचल में भी हम लोग 50+ और 60+ कमीशन लेकर इनको यहाँ से खदेड़ेंगे, कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना जो है बीजेपी लगातार देख रही है और यही दावा कर रही है कि यहाँ पर भी ताश के पत्तों की तरह कांग्रेस बिखर जाएगी। आपको मालूम होगा कि हिमाचल प्रदेश में
केवल 70,000 आबादी है इसकी, और मोदी के 8-8 केंद्रीय मंत्री, अमित शाह खुद, मोदी खुद एक राजा वीरभद्र के पास, इस छोटे से प्रदेश लड़ने के पास आए हैं। राजा वीरभद्र इनके लिए अकेला ही काफी है, मोदी की लहर हिमाचल प्रदेश में नहीं आएगी। ये जो मोदी है, जो 2014 का चुनाव इन्होंने जीता है, ये जुमलेबाजी पर जीता है, झूठों पर जीता हुआ है। हिमाचल के लोग ईमानदार है, ये देवभूमि है, लोगों को ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, तभी राजा वीरभद्र एकमात्र एक मुख्यमंत्री ऐसे है जिनका हिमाचल की पूरी जनता पर उन पर विश्वास है और अकेले मैदान में है, किसी को लाने की जरूरत नहीं है। पुष्पराज जी कह रहे हैं एक मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पूरी बीजेपी पर भारी है हिमाचल में। इस पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में बड़े शर्म की बात है कि मात्र वीरभद्र एक ऐसा नेता है जिसने हिमाचल प्रदेश की देवभूमि को शर्मसार किया है। इस हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं, किस तरह से शर्मसार किया? एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री है जो जमानत पर है, जिनकी प्रॉपर्टी को ईडी ने कुड़क किया हुआ है। एक ऐसे प्रधानमंत्री, एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनका पूरा परिवार जमानत पर है, बेटा जमानत पर, बीवी जमानत पर। सुखराम जी पर भी करप्शन के आरोप लगे हैं, दोषी करार दिया गया था। आप ही के बीजेपी के जो नेता है, उन्होंने चार्जशीट में उनका नाम लिखा था, वहां पर आपको आरोप प्रत्यारोप नहीं नजर आता? जहां तक बात है माननीय अनिल कुमार शर्मा जी, जो इस वक्त हमारे प्रत्याशी मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से हैं, उनके ऊपर कोई भी एफआईआर किसी थाना में दर्ज नहीं है। जबकि दूसरी तरफ वीरभद्र जी स्वयं आजकल जमानत पर हैं, केंद्रीय मंत्री रहते हुए यूपीए की सरकार में उनको यूपीए की सरकार से हटाया गया था, इसी कारण क्योंकि उनके ऊपर घोटाले का आरोप था। जमानती सरकार चला रहे हैं और आप ही की पार्टी ने उन पर आरोप लगाए। मेरे तो बीजेपी के भाई पर मेरे को हंसी आ रही है, ये राजा वीरभद्र को जमानती बोल रहे हैं। राजा वीरभद्र के ऊपर जो केस बना हुआ है वो इनकम टैक्स का केस है, जो उन्होंने रिटर्न फाइल किया है और रिवीजन उसका मांगा था, उसका केस इन्होंने बनाया हुआ। और एक केस सीबीआई उसमें इंक्वायरी कर रही है, ईडी उसमें इंक्वायरी कर रहा है, इनकम टैक्स उसमें इंक्वायरी कर रहा है, ये सब कर रहे हैं। और हमारे जब हमारे गलत केस बनेगा तो कोर्ट में जाके जमानत तो लेनी पड़ेगी, अगर मेरे पर बनेगा मैं मिलूंगा। लेकिन करप्शन को आप मुद्दा मानते हैं? मुद्दा नहीं है करप्शन का मुद्दा, जो अमित शाह जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको 2 साल की सजा हुई है और वो तड़ी पार है और हमारे पर आरोप लगा रहे हैं। हमने अभी तो हमारा केस तो अभी कोर्ट में गया है, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोर्ट में केस गया है, लेकिन हिमाचल की जनता से ये पूछ लेते हैं कि क्या करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, क्योंकि लगातार करप्शन को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता से भी मैं कहीं ना कहीं सवाल लेती हूँ, लगातार करप्शन को लेकर यहाँ पर हिमाचल की राजनीति में उबाल देखा अपने हिमाचल में। जी नमस्कार, बिल्कुल करप्शन भी एक मुद्दा है, लेकिन जो 70 साल से करप्शन करते आ रहे, इस देश को खोखला करते आ रहे, वे के क्वेश्चन करेंगे हमारे से। बलहीनों को नहीं पूछता, बलवानों को विश्व पूछता। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है सब जानते हैं, और अभी 19वां राज्य हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। आप रामायण में ही देखिए, जो भीष्म थे वो धार्मिक थे, इसलिए भारतीय जो राम की तरफ आए और इसलिए इनको अभी भी समय है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो जो नुमाइंदे हैं, जो अच्छी विचारधारा के, जिनके प्रति देश में राष्ट्रभक्ति भरी हुई है, कूट कूट भक्ति, कूट कूट करके भक्ति भरी हुई है, उनको आने का समय अभी भी है। वे कृपा करके भारतीय जनता पार्टी तो लगातार आपको दिखा रहे हैं मंडी से किस तरह से वहां पर जो लोग हैं उनके क्या मुद्दे हैं, क्या कुछ कहना है वहां पर नेता लोगों का। जो योग्य होगा वो टिकट के लिए आगे आएगा, परिवार मुद्दा नहीं है, मुद्दा एक ही है, मुद्दा एक हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में लगातार विकास हुआ है, उस विकास को देखते हुए प्रधानमंत्री स्वयं आया हुआ है, इनका अध्यक्ष स्वयं आया हुआ है, 7 केंद्रीय मंत्री स्वयं आए हुए और विकास के दम पर वोट जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मांग रहे हैं। लेकिन क्या विकास मंडी में हुआ है, यहाँ पर जनता मौजूद है, इन्हीं से पूछ लेते हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद है। विकास के दम पर कहीं ना कहीं वोट मांगा जा रहा है, आपको लगता है कि मंडी में जो विकास होना चाहिए था वो हुआ है? हुआ है मैम। किस तरह का विकास हुआ है? जो जनरल डेवलपमेंट है वो अनिल शर्मा जी ने बहुत विकास किया इसके ऊपर, तो हम उनको सपोर्ट करें क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता है हम, तो हम उनको। आपको लगता है विकास हुआ? हुआ है। कहाँ कहाँ विकास हुआ? अभी मंडी में देख लो आप, ये मंडी में सारी जगह हो रहा है, अनिल शर्मा थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। एजुकेशन को लेकर युवा किस तरह से इन चुनावों को देख रहे हैं, जिस तरह से ये नेता पार्टी बदलते हैं, क्या उससे कोई फर्क पड़ता है युवाओं के मन में? उनके मन में क्या फर्क पड़ेगा मैम? आज की डेट में युवा जो है वो मोदी सरकार को देख रहे हैं,
आज पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में जो मोदी सरकार का नाम है वो उनके काम की वजह से है। ऐसे नाम नहीं होता, जो काम करता है उसका ही नाम होता है। मोदी जी ने काम किया है और काम कर रहा है, और मेरे को लगता है अगले 10 सालों तक मोदी जी काम करते रहेंगे और युवा उनके साथ जुड़ते रहेंगे। बिल्कुल, तो युवा यहाँ पर जुड़ते रहेंगे। विकास जो है एक बहुत बड़ा एजेंडा है इन चुनावों में। इसके अलावा अगर मंडी के मुद्दों की मैं बात करूँ, और कौन कौन से मुद्दे हैं मंडी में? मंडी में काफी विकास हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे शहर में जो पैदल चलने के लिए काफी जो जगह है वो अच्छी बढ़ रही है, और जो सड़कें तंग थी वो खुली हो रही है, तो इसलिए विकास काफी अच्छा हो रहा है। सड़कों का मुद्दा है क्या मंडी? सड़कें जो फुटपाथ बनाए गए उससे सड़कें बहुत कम हो गई, वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल भी उससे आम जनमानस का चलना फिरना मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल, कानून व्यवस्था को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है। गुड़िया प्रकरण जिस तरह से यहाँ हिमाचल में हुआ है, उसके बाद से लगातार जो है सवाल कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं। आपको लगता है कानून व्यवस्था सही है हिमाचल में? बिल्कुल नहीं जी, वीरभद्र के राज में तो ऐसा ही होता रहा। गुड़िया का कांड हुआ, हमारे नौजवान वो गार्ड थे उनके साथ वैसा हुआ, वो भी सारे दबाए गए। गुड़िया की स्टेटमेंट उन्होंने दी, भाई ऐसा तो होता रहता है प्रदेश में, तो इसमें हमारे नौजवानों की क्या इज्जत है? एक मुख्यमंत्री होते हुए, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री होते हुए इतना बड़ा बयान दे देता है तो देश की जनता का क्या होगा? एक देश का मुख्यमंत्री महीने के दो बार कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा तो इस प्रदेश का क्या होगा? बिल्कुल, कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने लाइटली मुद्दे को लिया, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप पूछिए हमसे क्या 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 मुद्दे हैं, आपको लगता है मंडी में कौन कौन से मुद्दे हैं? वैसे इस बात पे मैं कुछ ना कह सकूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, न्यूट्रल रहूंगा, क्योंकि जितनी गवर्नमेंट्स बनी हैं या बनेंगी वो सब भी ऐसे ही रहेंगी। आपको लगता है नहीं कि कोई विकास हुआ है इतने सालों में? खैर है, अगर कंपेयर करें 47 का और आज का दिन का, बहुत हुआ है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट थी कोई भी था, और ऐसा ही चलता रहेगा। बिल्कुल, तो पुष्परा जी से ये जवाब जरूर ले लेते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा हिमाचल में है और लगातार यहाँ पर सवाल प्रदेश सरकार पर उठ रहे हैं। प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर, जिस तरह से गुड़िया प्रकरण हुआ है उसके बाद से SIT जो है वो जेल में है, और कानून व्यवस्था और प्रदेश सरकार पर सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं। हम ये मानते हैं कि गुड़िया का प्रकरण बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा हुआ। उसके बाद मैं BJP से पूछना चाहता हूँ कि जो CBI इनके अंडर है, राजा वीरभद्र ने CBI इंक्वायरी उसमें मांगी। नहीं, अभी तो प्रदेश सरकार से सवाल हो रहा है ना। हमने अपनी SIT बनाई थी, उस पर छानबीन चल रही थी, बीच में कोई दुर्घटना घटी तो राज साहब ने CBI को इंक्वायरी दी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि CBI की इतनी टीम यहाँ बैठी हुई है, वो अभी तक इसका पता क्यों नहीं लगा? 90 दिन के बाद चालान पेश करना है ना, लेकिन आपकी SIT तो अंदर है, आपके बड़े बड़े जितने भी ऑफिसर्स है वो भी अंदर है जेल के अंदर। उसका एक कारण है, उसका कारण है कि BJP ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया। जैसा यूपी बिहार में जो राजनीति होती है उसको हिमाचल में लाने की कोशिश की गई, और इनके आदमियों ने, इनके पार्षदों ने, इनके के नाम जो BJP के पदाधिकारी थे, उन्होंने कोर्ट खाई में ठाणा जला दिया, कानून व्यवस्था को उन्होंने उठाई, ठाणा जला दिया। बिल्कुल, तो यहाँ पर कानून व्यवस्था जो बिगड़ी हिमाचल में गुड़िया प्रकरण के बाद, BJP पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी वजह से बिगड़ी। मैं इससे पहले मैडम दो बातें करना चाहूंगा जी। जिस प्रदेश का पुलिस ऑफिसर जेल में हो, जिस प्रदेश में एक बहुत बड़ा अधिकारी अपनी गाड़ी में चिट्टा स्मैक ढोता हो, जिस प्रदेश में ज्वाइंट डायरेक्टर इंडस्ट्री रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाए और ये कहे कि मेरे को ये फीस माननीय वीरभद्र सिंह जी के वकील को देनी है, तो ये तो तय है कि इस प्रदेश में कानून की व्यवस्था बिगड़ी है। जहां तक बात रही, अगर भारतीय जनता पार्टी या आम लोग सड़कों पर नहीं उतरे होते तो आज जो SIT जेल में है वो शायद जेल में नहीं होती। गुड़िया का प्रकरण तो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उसके बाद जो सरकार का रोल रहा वो भी कम दुर्भाग्यपूर्ण नहीं था। इस लोकसभा की सांसद मुख्यमंत्री की पत्नी उनके घर में जाती है प्रदीप सिंह और कहती है कि ये लो 30,000 का चेक, आपने CBI की जांच नहीं मांगनी है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उसको छुपाने के लिए, किन लोगों को छुपाने के लिए आज इस प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस। लेकिन प्रदेश सरकार तो सवाल उठा रही है कि CBI वहां पर शिमला में है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अरे मैडम, SIT के इस प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर जेल में है, जिस प्रदेश में रक्षक भक्षक बन जाए, सबूतों को खत्म करने के लिए जहां की प्रदेश सरकार लग जाए, वहां से सबूत इकट्ठा करने में कुछ तो वक्त लगेगा।
बिल्कुल, तो यहाँ आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई आपकी तरफ से, ये कहा जा रहा है? अगर आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई तो राजा वीरभद्र सीबीआई इंक्वायरी नहीं मांगता। हमारी सीबीआई इंक्वायरी इसी बात के लिए है कि दोषी कौन है उसको सजा दी जाए। हमें खुद चाहते हैं कि पहले प्रदेश सरकार ने दावा क्यों किया कि हमारी एसआईटी ने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है मामला। एसआईटी ने सॉल्व कर दिया मामला, एसआईटी जान तक पहुंच चुकी थी, परंतु एक बीजेपी के लोग ने दबाव बनाया कि ये जो थाने जलाए और हिंसा भड़काई, उसके तहत हमने बोला कि सीबीआई से इंक्वायरी करो, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और प्रदेश की जनता भी यही चाहती है, राजा वीरभद्र भी चाहता है। कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ महिलाओं से भी हम पूछ लेते हैं, आपको लगता है कि कानून व्यवस्था अभी भी एक मुद्दा है यहाँ पर, और जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने काम किया है गुड़िया मामले को लेकर वो सही था? नहीं, वो बिल्कुल ही सही नहीं था। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसमें अपने आप इन्वॉल्व हो और अपने लोगों को बचाने की भरपूर कोशिश करता हो, उसमें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार पूरी की पूरी भ्रष्ट है। ये एक बच्ची का मामला था, यहाँ एक बच्ची का मामला तो तब उठा क्योंकि इसमें सारे के सारे वो लोग जो अपराधी थे वो सब कहीं ना कहीं वीरभद्र से जुड़े हुए थे, इसीलिए वो सबको बचाने के चक्कर में इन्होंने नित नए दिन एक नए स्टेटमेंट को ये जारी करते रहे। अभी भी गुड़िया कांड एक कांड नहीं है, यहाँ हिमाचल प्रदेश में पता नहीं कितनी गुड़ियाओं का इसी प्रकार मतलब उनके साथ गलत होता रहा है, लेकिन पुलिस विभाग जो है इस पे पूरी तरह इंक्वायरी नहीं करता है राजनीतिक दबाव के चलते। बिल्कुल, तो पुलिस फेलियर कहीं ना कहीं दिखा है। इसके अलावा अगर मुद्दों की बात करूं, कानून व्यवस्था के अलावा जीएसटी और नोटबंदी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको लगता है कि जीएसटी नोटबंदी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है? जी देखिए, सबसे पहले जो जीएसटी का जो मुद्दा है, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूं, जीएसटी बहुत ही अच्छा कदम है जो मोदी जी ने उठाया है, बहुत ही अच्छा कदम मोदी जी ने उठाया है, और भी इसके साथ भी जो है जो नोटबंदी का था, हम लोग खुद इस चीज को हमने भुगता है, बहुत ही अच्छा कदम था जिसकी वजह से आज हम लोग बिल्कुल निश्चिंत बैठे, हमें ये डर नहीं होता कि टैक्स वाले हमारे घर आ जाएंगे, हमारे रेट पड़ जाएगी। अगर जब जो टैक्स हम बचाना चाहते थे वो मोदी जी ने जीएसटी ला के हमारा बचा दिया है। बिल्कुल, तो जीएसटी और नोटबंदी भी एक मुद्दा है, इसके अलावा हाँ, और कौन कौन? पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा एक आम आदमी होने के नाते कि गुड़िया के मुद्दे को एजेंडा बना करके इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। चलिए मैं आपकी बात सहमत हूं, आपको लगता है कि राजा वीरभद्र सिंह दोषी है तो आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन यहां बैठे जनसमूह को देख करके मुझे लग रहा है कि इन लोगों को भारतीय संविधान के ऊपर विश्वास ही नहीं है। हमारे संविधान में साफ शब्दों में लिखा गया है कि जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर कोई दोष प्रमाणित नहीं हो जाता, बिल्कुल, तब तक उस व्यक्ति को दोषी नहीं माना जाएगा। दूसरी बात ये कि बीजेपी के होल्डर शहर के अंदर लगे हैं, वहां पे लिखा है गुड़िया मांगे सुरक्षा का अधिकार, अब और एक मिनट मैम, अब और नहीं होगा अत्याचार। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या बीजेपी की तो कोई रेप नहीं होगा? बिल्कुल, ये सवाल जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है क्या वहाँ पे कोई रेप नहीं होता? नरेंद्र जी से इसका जवाब। एक मिनट मैम, एक गुड़िया के लिए आप मुख्यमंत्री को दोषी मान रहे हैं, लेकिन उन 60 बच्चों का हिसाब कौन देगा? बिल्कुल, जो सिर्फ बिल्कुल, इसके अलावा और अगर इसके अलावा अगर और मंडी के मुद्दों की मैं बात करूं, और क्या कुछ मुद्दे हैं लगातार जो है यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से? ये जो कानून व्यवस्था की बात है मैडम, मंडी में ऐसा शहर है मंडी, चाहे रात को 12 बजे तक लोग घूमते हैं, यहाँ कानून व्यवस्था कांग्रेस के राज में बहुत अच्छी हमेशा रहती है। जब भाजपा का राज रहा तो उस समय गुंडागर्दी रहती थी यहाँ, अब बहुत अच्छा। रही भ्रष्टाचार की बात, रही बात आपने कहा, रही अनिल शर्मा जी की बात, तो यही लोग थे जो अनिल शर्मा का हमें